नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। पीएम न रहने पर होर्डिंग से तस्वीरें ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से छलका शिवराज का दर्द। उत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें देरी से चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। बिहार कैबिनेट की बैठक में आईटी पॉलिसी को मंजूरी। राज्य में आईटी हब विकसित करने के लिए नई नीति, निवेश, रोजगार और कारोबार के मद्देनजर पॉलिसी। चुनाव जीतने के बाद शाकिब अल हसन ने फैन को मारा थप्पड़। सेल्फी लेने के दौरान शकीब ने खोया आपा। शाकिब ने शेख हसीना की पार्टी से चुनाव जीता। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख हसीना ने भारत को बताया सच्चा दोस्त। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुडुचेरी और कराईकल में बारिश का अनुमान लगाया। राजस्थान 10 दिन भी मंत्री नहीं रह पाए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। करणपुर सीट से चुनाव हारते ही देना पड़ा इस्तीफा। ईडी डायरेक्टर ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों से शाहजहां शेख मामले की जांच करने को कहा। यूपी में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। कानपुर के बाद आगरा के पुलिस कमिश्नर हटाए गए। मैं दोबारा सांस ले सकती हूँ। बलात्कारियों को वापस जेल भेजने पर बिल्किस बानो ने यस्सी का जताया आभार। कर्नाटक से क्यों शुरू हो रहा कांग्रेस का मंदिर आंदोलन। खरगे और सोनिया भी सुन रहे शिव की आवाज। बोइंग 737 मैक्स विमान का छोटा सा पुर्जा नदारद। भारत में जांच के दौरान सामने आई गड़बड़ी। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने की चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की तारीफ। राष्ट्रपति मुइजू को बर्खास्त करे। मंत्री को समन भेजे पीएम मोदी के समर्थन में मालदीव के विपक्षी नेता। कांग्रेस की नजर बंगाल की 10 सीटों पर। टीएमसी के 2 सीटों के ऑफर को ज्यादा तवज्जो नहीं, सूत्र। कलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। सीजेआई बोले इसके लिए बनानी होगी एक खंडपीठ। लक्षद्वीप में खारे पानी को मीठा बनाने की परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है इसराइल। ईडी का आरोप। राज्य पुलिस ने हल्की धाराओं में दर्ज की एफआईआर। पश्चिम बंगाल पीडीएस घोटाला बहुत बड़ा। सीलबंद लिफाफे में अखिलेश यादव ने लिया टिकट के दावेदारों का नाम। पीडीओ को बताया अपना भगवान। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल।